हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वेलकम टू माय चैनल। आज हम चाय बनाने की विधि आपको बताएंगे, क्योंकि आजकल भारत में चाय का बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, क्योंकि जो मेहमान आते हैं उसका स्वागत भी चाय के द्वारा किया जाता है। इसलिए आज हम आपको गुड़ की चाय बनाने की विधि आपको बताएंगे। इसमें हमने आधा इंच अदरक का टुकड़ा, दो इलायची, थोड़ा गुड़ काम में लेंगे, एक चम्मच चाय की पत्ती, एक कप दूध का, एक कप पानी का, क्योंकि इन दोनों का रेशियो बराबर होगा तो दूध और पानी का तो चाय बहुत ही अच्छी स्वादिष्ट बनेगी। हम इसको आपको गैस पर बना के दिखाएंगे। इसमें पतीले को ऊपर रखेंगे, और एक कप पानी का डालेंगे और इसको थोड़ा उबाल आने तक गर्म करेंगे। अब एक तरफ हम दूध को गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि हम गुड़ की चाय बना रहे हैं तो इससे पहले ही दूध को गर्म कर लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि चाय के फटने का भय कम रहता है। इसलिए हम दूध को एक तरफ पहले गर्म कर लेते हैं। दूध गर्म हो गया है, अब इसको गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। अब पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें हम चाय की पत्ती ऐड करेंगे एक चम्मच, और इसको अच्छे से उबालेंगे। चाय में कलर अच्छा आया है। अब इसको एक दो और उबाल लेने के बाद इसमें हम अदरक ऐड करेंगे। अब इसमें अदरक का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। अब चाय और अदरक को थोड़ा अच्छे से उबालेंगे तो इसमें थोड़ा स्वाद अच्छा रहेगा चाय का। अब इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ की चाय सर्दियों में बहुत ही लाभदायक होती है, आप भी अपने किचन में गुड़ की चाय पिए। इसको दो तीन बार अच्छी तरह से उबाल आने दें और टोपियों को थोड़ा हिलाता रहे। अब इसमें दूध ऐड करेंगे और इसको दो तीन उबाल आने तक इसको पकाएंगे और पैन को अच्छी तरह से हिलाएं। अब इसमें इलायची ऐड करेंगे। सर्दियों में गुड़ की चाय आप भी ज्यादा से ज्यादा पिए, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। अब इसको अलग कप में छलनी की सहायता से छान कर पियेंगे। देखिए दोस्तों, चाय बनकर अच्छी तैयार हुई है। इसको हम दो कोपों में डाल लिया है। गुड़ की चाय कभी नुकसान नहीं करती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है, और सर्दियों में इसको गुड़ की चाय पीने से बहुत ही फायदे होते हैं। बहुत ही अच्छी मेहनत के साथ इसको बनाई है। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर आपको नई जानकारी नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसको आप ब्रेड, पूरी, बिस्कुट के साथ भी पी सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।